Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. आज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चिकन बिरयानी. उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन. 1 kg बोनलेस चिकन लिया, आप चाहे तो बोन वाली भी ले सकते हैं. फिर यहाँ 5 कप बासमती राइस, उसको सोक कर दिया पानी में 30 to 40 मिनट्स के लिए. उसके बाद पोटेटोज हैं, 3 पोटेटोज स्मॉल पीसेस में. टोमेटोज है, 3 to 4 टोमेटोज स्मॉल काटनी है मैंने. अनियंस है, इसको मैंने 5 to 6 अनियंस लिए हैं, स्लाइस कर दिया है. 5 से 6 अदरक हरी मिर्ची बड़ी वाली ली है, उसको स्लिट्स में काट दिया, हाफ कर दिया है. हाफ अ लेमन लिया है, क्वार्टर क्वार्टर बन हरा धनिया पुदीना चॉप कर दिया. यहाँ मैंने खड़े मसाले ले लिए, गरम मसाले. इसमें मैंने तकरीबन 1/2 teaspoon साबित काली मिर्चें ले ली हैं. 3 to 4 मैंने बड़ी इलायची ले ली है. 3 to 4 लौंग ले ली है. 3 से 4 अदरक मैंने दालचीनी ले ली है. 2 बादियान के फूल ले लिए हैं. 5 to 6 छोटी इलायची ले ली है. 1/2 tablespoon सफ़ेद ज़ीरा लिया है. 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर और 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च. सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 to 4 tablespoon. यहाँ पे मैंने घी लिया है 1 cup, योगर्ट लिया 1/2 cup. पॉट में अपना 1 cup घी डाल दिया, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पे. फिर हम थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें सबसे पहले खड़े मसाले जो लिए थे हम वो ऐड करेंगे. आप देख सकते हैं इन सबको इकट्ठे में ऐड कर दूंगी और उसको 1-2 मिनट तक के लिए चलाएंगे ताकि इसका भगाड़ लग जाए. फिर हम इसके बाद अपने अनियंस ऐड करेंगे, जो मैंने 4 to 6 अनियंस ली थी. उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए. आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गई हैं अनियंस, बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है. अब हम इसके अंदर अपनी चिकन जो थी वो ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से चलाएंगे थोड़ा सा ताकि ये सब चीज़ें चिकन को हल्का सा फ्राई कर दें. हम यहाँ 4 to 5 मिनट्स के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे. उसके बाद हम टोमेटोज ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी चॉप कर लिया था और फिर उसको अच्छे से फ्राई करेंगे. आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे. सॉल्ट डालेंगे सबसे पहले. सॉल्ट डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे. फिर उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने 3 tablespoon दिया था और इनको हम अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह चीज़ें मिक्स हो जाएं. उसके बाद हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च और हल्दी को. इन सबको मैंने खट्टी डाल दिया है और इसको मिक्स किया है. आप चाहें थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं. यहाँ पे मीडियम बिरयानी का मैं सालन तैयार कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले और हर चीज़ हर जगह मिक्स हो जाए. और इसको कवर करके एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे मैं छोड़ दूंगी. तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर आ चुका है, चिकन टेंडर हो चुकी है, ये ग्रेवी सा बन गया है. अब हम इसमें 3 tablespoon तक योगर्ट जो थी हमारी दही हम उसमें ऐड करेंगे. मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, इसी के पानी में ये चिकन टेंडर हो जाएगी और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी. और उसके बाद मैं पोटेटोस ऐड करूँगी. आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है, आप चाहें तो और मज़ीद आलू डाल सकते हैं और नहीं भी डालें तो सब ठीक है. और फिर मैं उसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए. जब तक हमारी चिकन तैयार हो रही है हम उसके राइस के अंदर जो मैंने 5 cups लिया था उसके अंदर वाटर डालूंगी. तकरीबन 2 liter वाटर डाला है मैंने, आप देख सकते हैं, आइडिया देख सकते हैं. फिर उसके अंदर 3 to 4 हरी मिर्चें डालूंगी. मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चों को बीच से
काट लिया है। फिर इसके अंदर पुदीने के पत्ते डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून तक पत्ते हैं। फिर इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूंगी, अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ आप उसको मीडियम आंच पे कवर करके चढ़ा दें और राइस इसी के साथ पकने लगेंगे। इन द मीन टाइम हमारी चिकन तैयार है, ऑलमोस्ट देखें आप सालन के शेप में आ रहे हैं। जब ऑलमोस्ट चिकन गल जाए, आलू गल जाए, उसके ऊपर हाफ लेमन आप उसके अंदर डालें। मैं इसका लेमन जूस उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 5 पीसेस हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं। फिर हम उसके अंदर हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे, और 5 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे हम इसको कवर कर देंगे, ताकि ये हमारे जो ग्रीन चिली और कोरिएंडर वगैरह उसका एक फ्लेवर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि चिकन तैयार है, ग्रेवी तैयार है, उसको कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि राइस बॉयल होना शुरू हो गया। तकरीबन 70% तक राइस हम जो है ये रेडी हो चुके हैं। बिरयानी के लिए हम 70-80% राइस लेते हैं कुक। अब उसको छलनी में हम छान लेंगे और उसको निकाल लेंगे। छानने के बाद आप देख सकते हैं कि राइस बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। अब हमारा देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी भी तैयार है, चिकन अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। सबसे पहले एक देगची में हमने राइस की लेयर लगा दी है, प्रॉपरली अच्छे से डाल दिया, और फिर हमारी जो पूरी चिकन सालन था वो ऐड कर दिया और उसको फैला दिया है राइस के ऊपर। अब बिल्कुल स्लो आँच पर हम इसको रखेंगे। अब हम दम लगाएंगे, इसके ऊपर हम राइस और ऐड करके में हम दम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स लगाई है, एक नीचे राइस के लिए लगाई है, एक ऊपर लगाई है, बीच में सालन रखा है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे 5-6 मिनट्स के लिए। मैंने यहाँ पे जर्दे का कलर ऐड करके उसको स्लो कुक करने के लिए 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। अब 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि ये राइस बिल्कुल बन चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है। मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी और इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे बिरयानी डिश आउट कर दी है। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायता और सैलड के साथ सर्व कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।